गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजकुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल राजकुमार सिंह इंग्लिश स्टार। इसमें आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के तीसरे चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट। इसके पहले मैंने इसका दो पार्ट इसका वीडियो बना दिया है, अब तीसरा पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहां से लिखा है कि एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन। ध्यान से एक एक शब्दों को समझेंगे। लिखा है कि एंड दो और यद्यपि, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना या छोड़ देना। तो कह रहे कि मैंने त्याग दिया है मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन। पास्ट मतलब हमारी जो पुरानी ट्रेडिशन मतलब परंपरा, पुरानी परंपराओं एंड कस्टम मतलब रीति रिवाज, पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को त्याग दिया है। एंड एन एनजीएस दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स। कहते हैं कि एन एनजीएस मतलब मैं उत्सुक हूं कि भारत को शुड रीड हर सेल्फ ऑफ, रीड आपका मतलब होता है देखिए किसी चीज से छुटकारा पा लेना, ऑल साइकिल्स मतलब सभी प्रकार से जो बेड़िया होती है। कहने का मतलब यह है कि कह रहे हैं कि भारत को सभी प्रकार की बेड़ियों से छुटकारा पाना चाहिए, मुक्ति पा लेनी चाहिए। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन, जो उसे बांधती है, एंड कंस्ट्रेन मतलब रोकती है या बाध्य करती है। एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को यानी कि भारतवासियों को बांटती है। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उसमें से बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को जो है सप्रेस मतलब दबाती है या दमन करती है बोल सकते हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और प्रिवेंट मतलब रोकती है, द फ्री डेवलपमेंट मतलब मुक्त विकास ऑफ द बॉडी मतलब शरीर की, यानी कि शारीरिक मुक्त विकास को रोकती है। एंड द स्पिरिट, और आत्मा को। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कहते हैं कि भारत को वैसी जंजीरों से अपने आप को मुक्त करा देना चाहिए जो भारत के लोगों को विभाजित करती है और उन्हें आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती है। आगे लिखा है कि दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि आई सी कॉल दिस एट आई डोंट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली। करें कि यद्यपि आई सी कॉल दिस, यद्यपि मैं यह सब चाहता हूं, फिर भी आई डोंट विश, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है टू कट ऑफ मतलब अलग हो जाने से, माई सेल्फ मतलब खुद को, फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, यानी कि कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से अपने अतीत से अलग भी नहीं होना चाहता हूं। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन। कह रहे हैं कि मुझे उस महान विरासत, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है, दैट हैज बीन, जो हमारी रही है। एंड इज, और हमारी है, आवर सागर दिया हुआ है और हमारी है। एंड आई एम कॉन्सियस दैट आई एम टू, करें कि आई एम कॉन्सियस का मतलब हो जाएगा कि मुझे यह चेतना है या मुझे यह बात पता है कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी लोगों के समान, एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, मतलब उस अटूट जंजीर का एक कड़ी हूं, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि जो अति प्राचीन अतीत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो अति प्राचीन अतीत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के अतीत, कह रहा कि जो भारत के अतीत से जुड़ा हुआ है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक,
उस जंजीर को मैं नहीं तोड़ूंगा फार, क्योंकि आई ट्रेजर, मैं उसको संजो करके रखूंगा। इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, करें कि मैं उस जंजीर को संजो करके रखूंगा या फिर मैं उसको ग्रहण करके रखूंगा और उससे मैं प्रेरणा सीखूंगा। एंड और एज विटनेस ऑफ दिज, और अपनी इस इच्छा, करें कि विटनेस ऑफ दिस डिजायर, और अपनी इच्छा ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज ऑफ इंडिया कल्चरल इनहेरिटेंस, यानी भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन करता हूँ दैट ए हैंडफुल ऑफ माई ऑसेस बी थ्रोन इंटू द गंगा, यानी कि मेरी अस्थि का मुट्ठी भर भाग जो है वह गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए एट इलाहाबाद में, टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशियन, यानी कि जो विशाल सागर में लेकर के चली जाए, दैट वॉशेस इंडिया सोर्स, जो भारत के कदमों को धोता है। आगे कि द मेजर पोर्शन ऑफ माई ऑसेस शुड, मेरी अस्थियों के अधिकांश भाग को आउर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, अन्य तरीके से विसर्जित किया जाए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड हाई अप इंटू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत ऊपर लेके जाया जाए एक हवाई जहाज के द्वारा, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट ओवर, और वहां से इसको स्कैटर्ड बिखेर दिया जाए, उस ऊंचाई से इसको बिखेर दिया जाए। द फील्ड्स, उन खेतों में वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहां भारत के किसान, टॉयल मतलब कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट, कि वह अस्थियां धूल से मिल जाए एंड सॉइल ऑफ इंडिया, और भारत की उस मिट्टी से मिल जाए, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब हो जाएगा अभिन्न अंग बन जाए। आगे लिख रहे हैं कि आई हैव रिटेन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मतलब मैंने यह अपनी, विल मतलब वसीयतनामा एंड टेस्टामेंट मतलब इच्छा पत्र, इन न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली में लिखा हूँ ऑन द 21st day of June, जून के 21st को, 21 जून को, इन द ईयर 1954, यानी कि मैं इस अपनी वसीयतनामा और इच्छा पत्र को नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है।